मेरे रोजे चल रहे हैं, अभी रोजा खोलने जा रही हूँ मैं। वालेकुम सलाम। किधर? बिल्कुल दुबई से मैं आई हूँ और अभी वापस दुबई जा रही हूँ। बोलिए। ताकि जी अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रही हूँ क्या? हाँ, पूरे कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। दुबई जाने के बाद मुंबई को कितना मिस करते हो आप? मुंबई तो मेरी जान है, मैं बहुत मिस करती हूँ। बट 13 मई को दुबई में डांस कॉम्पिटिशन है बच्चों का, तो वो थोड़ा ज़रूरी होता है और मैं वहाँ पे रियलिटी शो बना रही हूँ बहुत बड़ा, मतलब एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाले सब मिल बहुत बड़ा रियलिटी शो बन रहा है वहाँ पर, और प्रोडक्शन मेरा है। बट वहाँ पे स्पॉन्सर्स वगैरह वो सब खुश रहे, शो में खुद नहीं रियलिटी शो में खुद गई और रियलिटी शो बना रही हूँ। रियलिटी शो काफ़ी जज कर रही हूँ। हाँ, उस रियलिटी शो काफ़ी जज कर रही हूँ। मैं एंकर करूँ, मैं एंकर हूँ और कॉन्सेप्ट उनका है जो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी सब दोस्त हैं ना उनका काम। इस बार ईद कैसे सेलिब्रेट करने वाली है आप? आई वॉन्ट कि ईद मैं मुंबई में सेलिब्रेट करूँ और इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द मैं उमरा भी जाऊँगी, मेरा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बन गया। ईद की शॉपिंग हो गई है आपकी? आपके लिए भी क्या हॉर्न मार रहे, हॉर्न पे हॉर्न मार रहे, इनको सब्र नहीं है। काम को बुलेट ट्रेन में चले जाओ, मोदी जी ने बनाई है ना बुलेट ट्रेन, इसमें चले आगे जाओ, ट्रैफिक मत करो, आगे जाओ, ट्रैफिक मत करो मुझे देखकर, आगे जाओ। भाई इस पर गुस्सा आता है, पीछे से पूपा 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 बज रहा है, देखो देखो आप देख रहे हो, देखो ये जानबूझ के मुझे देखकर मत बजाते हैं, गुस्सा आता है मुझको। ताकि आपकी ईद की शॉपिंग हो गई है, इस बार आप किस तरीके की ड्रेसिंग करने वाली है? मैं ईद में डेफिनेटली आप लोगों को मिलूंगी, हाँ ईद में आप लोगों को मिलूंगी मुंबई, और डेफिनेटली मैं पहली मेरी ईद है, पहला रोज़ा है और ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया है। बट इंशाल्लाह मुझे खुदा ने इतना ताकत दिया है, मैं एक दिन भूखे ना रहने वाली लड़की हूँ, एक दिन भूखे ना रहने वाली लड़की हूँ। क्या देख रहे हो, चलो जाओ आगे, आगे जाओ, ट्रैफिक मत करो। क्या देख रहा, आके फाड़ फाड़ के मुझको, भैया देखा नहीं है क्या? हाँ, लड़की नहीं देखी क्या इन लोगों ने? इतनी खूबसूरत नहीं देखी। हाँ, इतनी खूबसूरत नहीं देखी। तो जब खूबसूरत कहते तो मेरी नजरें थोड़ी झुक जाती। तू कहाँ लेके जा रही है मुझको? कितने दिन के बाद आया तू? रोज़ा खुलवाने लेके जा रही है राखी इस बार, साड़ी के लिए लेके जा रही मेरी फ्रेंड। शर्लिन ने कहा कि इस बार वो भी रोज़ा रखने वाली है। हाँ 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 अभी 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 ख़त्म होने आई है रोज़े, मेरे पूरे रोज़े हो गए। नहीं, वो बोल रही मैं भी एक रोज़ा रखूँगी और कैसे। मुबारक उनको, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी लड़की है आपकी भी, बहुत सुशील और अच्छी लड़की है ना, सब अच्छे हमारे लिए, सब अच्छे। आपके बीच में और शर्लिन के बीच में भी कुछ दिन पहले कुछ हुआ, वो इंटरव्यू में बोला कुमार इधर खाएगा कि उधर के तुझे अंदर खोपचे में ले चलूं? ये वही लड़का है जो हमेशा क्वेश्चन करता है, सेम गाय। तुझे खोपचे में ले चलूं? धोड़ा लूं? इसको दिखा, वही लड़का है। तुझे धोड़ा लूं? ऐसा धोऊं एक मेरा वॉशिंग मशीन पूरा वॉशिंग मशीन मुंह ऐसा घूमता रह जाएगा, सवाल नहीं करते। चलिए, थैंक यू। हमारे तैयारी करना है भैया, हमको छोड़ दो, तैयारी करना है। आप कौन? मीडिया से? आप फोटोग्राफर से?